नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बरसात को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपस में सामंजस्य बनाए, इसमें आईटीबीपी, एसडीआरए, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी और आपदा विभाग शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि आपदा के समय कभी भी हालात बदतर हो सकते हैं, इसलिए सभी को अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी, क्योंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की। राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात हुई आपकी, क्या? राज्य आंदोलनकारियों के लिए हम पहले से ही, क्योंकि उनकी पेंशन बढ़ाने का मुद्दा हो या क्षतिज आरक्षण का मुद्दा हो या चिन्हीकरण का हो, सभी पर मैंने कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए हर विभाग अपने 10 साल का एजेंडा रखेगा। उन्होंने हुई बैठक को लेकर कहा कि प्रदेश में भारी बरसात से कई सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत को लेकर निर्देश दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि पीडब्ल्यूडी महकमा पूरे प्रदेश में सड़कें खोलने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ब्लॉक सड़कों को तुरंत आवाजाही के लिए खोला जाए। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में चारधाम यात्रा भी चल रही है, इन तमाम बिंदुओं पर पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा की गई। सशक्त उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप हैं अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखे, इसको लेकर आज समीक्षा की है। वहीं वन विभाग के तहत भी, क्योंकि कैंपा के अंतर्गत आने वाला जो हमारा फंड है उसका ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन हो, यूकेलिप्टस, पॉपुलर, सागौन, इन सभी को किन क्षेत्रों में लगाना है और बांज की जो बांज की पौध है उसको अत्यधिक प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है, पिरूल का ठीक प्रकार से उपयोग हो, वन पंचायतों को सब। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ हर उस आवाज को दबाना चाह रही है। वही कहा कि इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा जा रहा है उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। करेगी, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अघोषित इमरजेंसी का सा माहौल है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अलग अलग तरीके से हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक चुनावी भाषण में जिसमें नीरज मोदी इत्यादि जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लेके हिंदुस्तान का भाग गए हैं, उस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है और सर्वाधिक सजा दी गई है, उनकी सदस्यता छीन ली गई है। ऐसा लगता है बीजेपी किसी भी बड़े नेता को जो बीजेपी के खिलाफ मुखर है काम नहीं करने देना चाहती, और उसमें चाहे वो पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां जाते हुए लोगों ने देखा है, जजेस के ऊपर दबाव देते हुए लोगों ने देखा है, और अब राहुल गांधी समेत अनेकों राज्यों के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच या इनकम टैक्स की रेड, ये सब इस देश में समय चल रहा है और जनता जागरूक है, सब जानती है आने वाले 2024 के चुनाव में लोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी भी रहे हैं, तो उनसे इस तरह की उम्मीदें की जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी को खरीद फरोख्त पर भरोसा है, उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा होता तो अपने चुनावों को
अपने नेताओं को चुनाव लड़वाते, अपने उम्मीदवारों को जिताते, लेकिन खरीद फरोख्त कर दूसरों का घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, उनका काम है, उनका चरित्र है, वो हमेशा दूसरों के परिवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 9 साल में 10 चुनी हुई जनता की सरकारें बीजेपी गिरा चुकी है, और उनका काम है, वो लोकतंत्र में भरोसा रखते तो चुनाव लड़ते, चुनाव लड़के अपने लोगों को, कैंडिडेटों को जिताते, लेकिन वो खरीद फरोख करके, डरा के, धमका के दूसरे दलों के लोगों को अपने में शामिल कराने की उनकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीज तो अंग्रेजों से ही निकला है ना। अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी रहे हैं, तो उनसे डिवाइड एंड रूल के अलावा और उनसे उम्मीद। उत्तराखंड को एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आज सीएम आवास कूच करने पहुंचे। आपको बता दें कि विगत 10 वर्षों से राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हालांकि 10 साल में 2 सरकारें बदल चुकी हैं और किसी ने भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। खास तौर पर जो 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग ये लोग कई वक्त से कर रहे हैं, वे भी पूरा नहीं हो पाई, जिसके चलते आंदोलनकारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तमाम पिछले विगत 23 वर्षों से जो है राज्य हितों को लेकर लड़ते रहे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अपने भी जो राज्य आंदोलनकारी की मांगे हैं उनको लेके भी लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसमें चाहे वो चिन्हीकरण का मामला हो, चाहे वो 10% क्षतिज आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, तमाम हमारी जो वेलफेयर की जो चीजें हैं उनको लेके हम लोग लामबंद रहे हैं। 2011 के बाद जो चिन्हीकरण जो जिस तरीके से होना चाहिए था, 2011 के बाद वैसा चिन्हीकरण नहीं किया। 13 के 13 जिलाधिकारियों ने जो भी शासन आदेश निकले उनका परिपालन ठीक से नहीं किया, और 10% क्षतिज आरक्षण के लिए 26 अगस्त 2013 से और 26 अगस्त 2023 आने वाली है। इन 10 वर्षों में जो पुनर्बहाली उस 10% क्षतिज आरक्षण की होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हुई है, और ये वर्तमान सरकार के वादे के अनुसार जो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है उस वादे के अनुसार ये हमारी एक आखिरी वादा निभाओ रैली के तौर पे देखा गया हम उसको, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट हमसे करी थी उस कमिटमेंट में आधे वो खड़े उतरे हैं, लेकिन आधे जब तक कागज हमारे हाथ में नहीं आ जाता, हमने वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी को ये बात को कही थी कि आप हमारे हाथ में कागज दीजिए, उसके बाद यही राज्य अधिकारी आपकी वाहवाही करेंगे। हमारी मांगे तो वही है कि जो छूटे हुए हैं, चिन्हित हैं, उनको चिन्हित करो, और 36% आरक्षण है वो लागू करो। हमने ये आंदोलन लड़ा था 94 से, और आज भी हम लोग आंदोलन में लड़ रहे हैं। 23 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है, और 23 साल में हमारे उत्तराखंड में 14 मुख्यमंत्री आ गए हैं, और इन 14 मुख्यमंत्री ने क्या सोचा, हम आंदोलनकारियों की बात नहीं कर रहे, हम आम जनता। कांवड़ यात्रा में तेजी देखने को मिल रही है। लाखों कांवड़ियों की भीड़ नीलकंठ की ओर जलाभिषेक के लिए जा रही है। भीड़ को बढ़े देखकर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इन 5 दिनों के विशेष महत्व की जानकारी देकर अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया। सभी कांवड़ियों से मधुर व्यवहार बनाने की भी अपील की। ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि फला बात तो जंगल की आग की तरह फैल गई। जमाने के इस्तेमाल हो रहे इस मुहावरे का मतलब भी आपको पता होगा, लेकिन यहाँ बात मुहावरे की नहीं, असल आग की है। जंगल में लगी आग, आपने कई बार जंगलों में आग लगने की भी खबरें सुनी होगी। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड द्वारहाट के गाँव बड़ेत की महिलाओं द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जो बेकार समझे जाने वाले पिरूल से खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही है। इस अनोखे काम में उनका मार्गदर्शन मशहूर पिरूल आर्टिस्ट मंजू शाह के द्वारा किया जा रहा है। उनकी देखरेख में ही ग्रामीण महिलाएं गांव के पंचायत भवन में खाली समय में बैठकर पिरूल की राखियां, टोकरियां, गहने, झुमके जैसे अनेक उत्पाद बना रही हैं, और इस काम का प्रशंसा भी हो रहा है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गौलापार स्थित बागजला में भूमाफियाओं के द्वारा तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी के गौला रेंज में पट्टू की आड़ की सरकारी आरक्षित वन भूमि की खरीद फरोख्त के मामले में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सत्यापन शुरू कर दिया है। उधर वन विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है।
ये जो 64 परिवार को पट्टे दिए गए थे 1978 में, और उनकी जो पट्टों की जो अवधि थी वो 2008 में समाप्त हो चुकी है। उसके बाद इनको रिन्यूअल करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन वर्तमान में इन लोगों ने किसी ने भी रिन्यूअल नहीं किया गया है। और जो हमको सूचनाएं मिली कि पट्टे की ज़मीनों को अवैध तरीके से स्टाम्प पेपर में बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, इसकी हमने तफ्तीश करी और जांच करी। जांच में जो सही तथ्य सामने आए उनके खिलाफ हमने मुकदमा कायम, FIR भी दर्ज की, और अपने फॉरेस्ट में भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है। और आगे जो अन्य लोग हैं उनमें हमने एक टीम 7-8 आदमी की उसमें गठित कर रखी है, वो प्रतिदिन उनके हर घर में जाके उनके सदस्य, उनके आधार कार्ड, उनका जो भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, और जो लास्ट में अंतिम में हम जब उसकी निष्कर्ष निकालेंगे कि कितने लोग इसमें वैध हैं, जो पट्टे वाले हैं जिनको पट्टा भरे उनका निरस्त हो चुका है, नहीं उन्होंने रिन्यूअल किया, लेकिन वो कितने हैं अवैध तरीके से बिना पट्टे के, वो कितने रह रहे हैं, इनको छांटा जाएगा और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए हम अपने जो हमारी रिपोर्ट है हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे, उसके बाद जो भी निर्णय होगा। उत्तराखंड के देहरादून में मौसम विभाग के निदेशक विप्रम सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार हो रही बरसात से लैंड स्लाइड और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट मूड में रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को ज़्यादा बारिश और लैंड स्लाइड की घटनाएँ हो सकती है। जो लोग संवेदनशील इलाकों में रह रहे हैं वे सावधान रहें, और उसके साथ ही 11 तारीख को पहाड़ की यात्रा करने से बचें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए बताया कि प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें। हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड के केसेस वो बढ़ते जा रहे हैं, या नदियों में भी जो जलस्तर वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर जलस्तर और बढ़ता तो उनको कैसे क्या सुरक्षित तो अपने उपाय करना चाहिए जिससे कि जान का नुकसान ना हो। इसी तरह जो लैंडस्लाइड के केसेस है वो भी मैं कहूँगा कि 11 को अगर देखें तो जो एक्टिविटी मैक्सिमम जो 11 को ही दिख रही है हमारे यहाँ, तो उस दिन जो है कहीं ना कहीं जो रास्ते बंद होना है उनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी अच्छी खासी। और जो लोग ऐसे वनरेबल जगह में रह रहे हैं कि जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है या बोल्डर्स गिरने का खतरा है, तो उनको भी बहुत प्रिकॉशंस उसमें रखनी पड़ेगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और जो आवागमन कर रहे हैं तो आवागमन के दौरान विशेषकर 11 तारीख को अगर मैं बात करूँ तो देखना चाहिए कि जब तेज एक्टिविटी कहीं पे चल रही है वर्षा की, तो उस समय सुरक्षित जगह पे रुकें, और जब एक्टिविटी कम हो जाती तो आगे बढ़ें। तो सावधानी रखना है, और साथ में जो प्रशासन आपको जो है हिदायत देता है, निर्देश देता है, तो उसको भी फॉलो करें जिससे कि जो है जानमाल का नुकसान। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मेला क्षेत्र से व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यालय पौड़ी वापस लौटते समय ऑल वेदर रोड में ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच NH-58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर आए मलबे से सड़क जाम होने के चलते DM आशीष चौहान रास्ते में ही फंस गए। इस दौरान उन्हें अन्य राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाए जाने का इंतजार करना पड़ा। जिलाधिकारी के साथ साथ इस दौरान अवरुद्ध मार्ग में एम्बुलेंस भी मार्ग खुलने तक फंसी रही। तरीके के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन, उनमें हम अपनी JCBs और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक JCB काम कर रही है तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए NHAI से खुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें। DM साहब, जैसे कि जो हमारा 4 धाम यात्रा है ये एक सभी जनपदों के संयुक्त प्रयासों से चलता है, देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे डेंजर पॉइंट हैं वहाँ पे सुरक्षा की अभी कोई माकूल व्यवस्था नहीं दिख रही है। जो भी लैंडस्लाइडिंग जोन होते हैं वहाँ हम मेनली अपने JCB डिप्लॉय करते हैं, और क्रॉनिक लैंडस्लाइड पॉइंट पे हमारे वॉचर्स और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए पुलिस रहती, जैसे शिरोबगड़ या लामबगड़ जैसे जो एरिया हैं, तो इसी लाइन पे।
उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है जब टमाटर खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। दरअसल टमाटर की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए कोटद्वार में मंडी परिषद ने लोगों की सस्ती कीमत पर टमाटर उपलब्ध कराने के लिए मंडी ऑफिस के पास टमाटर के स्टॉल लगाए, जहां 70 रुपये किलो के हिसाब से एक परिवार को एक बार में 2 किलो टमाटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाजार में 150 रुपये किलो बिक रहे टमाटर को छोड़कर लोग बड़ी संख्या में मंडी परिसर पहुंच रहे हैं। टमाटर की लाइन है, उधर देखो कितनी लंबी लाइन है टमाटर की। मार्केट में टमाटर है नहीं, और ये टमाटर देखो आपका, देखो देखो इसमें देखो निकल रहा पानी, ये देखो कोई बात नहीं। और इसका भाव 70 रुपये किलो दे रही है, और कह रहे अधिकतम 2 किलो मिलेगा एक आदमी को, और उसमें भी 10 रुपये खुले नहीं होने पर वो कह रहे हैं कि छोड़ो 150 रुपये ही दे दो, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और टमाटर की स्थिति ये है, और ये कच्चा टमाटर है, और सोशल मीडिया पर इसको ऐसे फैलाया जा रहा था जैसे कि टमाटर फ्री में दिया है। टमाटर से क्या कुछ है अभी यहाँ पे आप लाइन में लगे हुए थे? अच्छा, आपके सामने है टमाटर। मैं कलाल घाटी से यहाँ पे टमाटर लेने इसके लिए आया था। कल शाम को कहीं भी टमाटर नहीं मिला, और 6 बजे के आसपास टमाटर ख़त्म हो गया था भावर मालन पार। अभी मैं यहाँ पे अपने साथी के साथ में यहाँ पे आया हूँ, तो 150 रुपये में ये टमाटर लिए, और ये आप देख रहे हैं छाटने का कोई मौका नहीं है, जैसे बना के दे रहे हैं। लालकुआ तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी गौला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले 8 महीनों में अवैध खनन और लीसा तस्करी और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर उनसे 12 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं इन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया। करी थी, तब से लेकर आज तक लगभग मैंने 10 से 12 लाख के आसपास जो है राजस्व जमा किया गया है, और 7-8 गाड़ियां अवैध खनन की पकड़ी गई हैं, और 2-3 गाड़ियां अवैध अभिवहन पर लकड़ी या जलौनी इन चीज़ों में पकड़ी गई हैं, और 2 लीसी के ट्रक और तारबीन और वार्निश तेल ड्रमों में मैं सहित पकड़ा गया है। और मार्च से लेकर के अभी तक ये चीज़ों को हमने रिकवर किया है, और इंक्रोचमेंट के में जो है जगह जगह जहाँ जहाँ पुराने इंक्रोचमेंट है उन्हें खाली कराया गया है। वन गुजरों के जो इंक्रोचमेंट अतिक्रमण किया गया था उसको नियंत्रण किया गया है, और वन्य जीव संघर्ष में जो जानवर आबादी की ओर आते थे उनको रोकने का भरसक प्रयास किया गया है। टेंटिकल जो सोलर फेंसिंग पूर्व से लगी थी उनको मेंटेनेंस किया, बैटरियाँ उनकी चेंज की, वायर चेंज किए, और उसमें काफ़ी हद तक हमने लगभग 95-96% तक उसमें हमने अपने को नियंत्रण किया गया है। उसमें हाथी जो बार बार आ जाता था उसमें वो वन्य जीव संघर्ष में जो अपनी टीम जो प्रभावी टीम है उसको हमने लगातार गश्त मूवमेंट। उत्तराखंड के रुड़की से खबर है, जहां दरगाह प्रशासक द्वारा पिरान कलियर में स्थित साबिर साहब के दरगाह में होने वाले ठेकों को लेकर सभासद दानिश के द्वारा जानकारी मांगी गई थी, जिस पर दरगाह की तरफ से जवाब मांगा गया था। दरगाह एक प्राइवेट संस्था है, ये सूचना के अधिकार में नहीं आती है, जिसके बाद अपीलकर्ता समाजसेवी एडवोकेट दानिश सभासद की तरफ से प्रथम अपील की गई। वही सूचना के आधार में लाने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। आपके बाद द्वितीय अपील आयोग के समक्ष की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय आयोग ने दरगाह प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश कर दिए हैं। ये जानकारी नगर पंचायत सभासद और एडवोकेट मोहम्मद दानिश और हज समिति सदस्य अरकम साबरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। 2022 में हम लोगों ने जो है फाटे लगाकर सूचना मांगी थी दरगाह से ठेकों के संबंध में, जिसके संबंध में उन्होंने वही अपना रटा रटाया जवाब दिया कि दरगाह जो है एक प्राइवेट संस्था है, सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं होता। जिसके बाद उन्होंने प्रथम अपील की जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निरस्त कर दी। उसके बाद उन्होंने उसमें द्वितीय अपील की थी माननीय आयोग के साथ, और माननीय आयोग ने इसमें 25/5/2023 में आदेश करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश किए थे कि आप जो है दरगाह प्रबंधक को पत्र लिखकर वो सूचना अपने पास मंगाए और फिलहाल से वो उपलब्ध कराए, जिसके क्रम में उन्होंने एक पत्र दरगाह प्रबंधक को लिखा भी था, पर दरगाह प्रबंधक ने सूचना देने से मना कर दिया। और फिर जब 30/6/23 में हमारी दोबारा सुनवाई तो हमने कहा कि हमारे पास सूचना नहीं पहुंची,
जिस पर माननीय आयोग काफ़ी नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद उन्होंने स्वयं दरगाह प्रबंधक को अपने यहाँ तलब किया और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किया कि क्यों ना आपके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और आपके जो है शासकीय हमारे जो शादी सभासद हैं दानिश भाई के उनके द्वारा दरगाह वक्फ बोर्ड से तीन चार बिंदुओं की सूचना मांगी गई थी और ये सूचना के अधिकार के संबंध में ही ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका सहयोग मांगा। हाँ इंशाल्लाह आपका सहयोग मिला ना तो माननीय आयोग महोदय जो सूचना के अधिकार में है उन्होंने जो है आदेश जारी कर दिया सूचना जारी करने के लिए और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भी यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी प्रबंधक जनपद रुद्रप्रयाग के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चौपता में आजकल वन विभाग और स्थानीय व्यापारियों के बीच में विवाद तेजी के साथ गहराता जा रहा है, जिसके कारण सभी स्थानीय लोगों ने संपूर्ण बाजार को बंद कर दिया। वहीं घोड़े और गाड़ियों के पहिए भी बंद किए गए, जिसके बाद यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM जितेंद्र और वन क्षेत्राधिकारी पंकज ध्यानी ने मौके पर पहुंचकर मामले को बातचीत के द्वारा सुलझाया। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पूर्व ज्ञापन के अनुसार संघर्ष समिति के माध्यम से जो हमारी सरकार को ज्ञापन किया था कि ये चार मांगों के मध्य जो है यहाँ पर हमारा जो है आज 8 तारीख से जो है बाजार बंद रहेगा। पूरी व्यवसायी पूरा टैक्सी जितने भी सारे लोग हैं वो बंद रखेंगे, लेकिन इसके तहत जो हमारे संबंधित सरकार के ही आदमी हम कहेंगे SDM साहब और हमारे रेंजर साहब आए हैं और उनके माध्यम से हमारे बीच जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक वार्ता रही है कि जो हमारी जल जीवन जमीन जैसी जो है मूलभूत सुविधाएं हैं और कोरोना काल के बाद जो कि हमारे ग्राम पंचायत पूरे वन पंचायत के भीतर 185 लोग वापस घर लौटे हैं। आज चोपता और तुंगनाथ घाटी के लोगों ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही संयमित तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखा है और सच में ये बहुत ही बुनियादी समस्याओं को आज उन्होंने सरकार के सामने रखा है, तो इनको DM साहब के माध्यम से और DFO साहब के माध्यम से हम लोग रेंजर साहब और हम लोग मिलके जो है शासन को ये बातें आज आगे उत्तराखंड के ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कांवड़ियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए मेयर अनीता ममगाई पशुलोक क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। वही अधिकारियों को मेयर ने निर्देश दिया और कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी कांवड़ियों को नहीं आनी चाहिए। इस दौरान मेयर ने अपने हाथों से कांवड़ियों को खीर का प्रसाद वितरित किया। यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ रहती है, उसी के निमित्त आज सभी व्यवस्थाओं का लगातार जिस प्रकार से हम जायजा ले ही रहे हैं तो चरणबद्ध तरीके से हमारा निरीक्षण भी जारी है। निरीक्षण में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के किसी भी शिव भक्त को भोले के जितने भी हमारे यहाँ पर कांवड़े आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो पेयजल से लेकर हो, पथ प्रकाश से लेकर हो, सड़कों में गड्ढे मुक्त उनको सड़कें मिले, शौचालयों की पूरी व्यवस्था मिले, हर चीज़ व्यवस्थित मिले, उसके लिए लगातार अधिकारियों के साथ में हमारी ये मॉनिटरिंग जारी है। आज हमने प्रथम सोमवार के दिन अपने पार्षदों के साथ में अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में शिव भक्तों का उत्साहपूर्वक उन पर पुष्प वर्षा करी और खीर का प्रसाद उनको वितरण करा और लगातार मैं सभी से अपील करती हूँ कि अपना इस शहर को जो कि हमारा पॉलीथीन मुक्त है, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इस शहर में संपूर्ण स्थानों पर जहाँ जहाँ से भी हमारे कांवड़ शिव भक्त गुजरेंगे स्वच्छता का विशेष। अब उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत, देखते रहिए NB News। नमस्कार।